बच्चों, आप लोगों ने पहली वीडियो में यहाँ का सिलसिला तक का पढ़ा था। अब मैं आगे का आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, दुनिया के गुलिस्तां का। यहाँ तक मैंने पढ़ाया था, अब आगे देखिए। फूलों भरी ज़मीन का, फूलों भरी ज़मीन मतलब ज़मीन पर जितने फूल हैं, अलग अलग तरह के फूल होते हैं, वो सारे ज़मीन पर। तारों का आसमां का, तारे तो सारे बच्चे जानते हैं, आसमान जो आसमान पे तारे हैं उनका। सारा है काम तेरा, प्यारा है नाम तेरा। जो सारा है काम, जितने भी दुनिया में जितने भी छोटे बड़े अच्छे बुरे जो भी काम होते हैं, सारे अल्लाह के बदौलत ही होती है। और इंसान उनको अलग अलग तरह के नाम से पुकारते हैं, जो जिसको जो नाम अच्छा लगता है। जैसे कोई बच्चे को कोई नाम अच्छा लगता है, उसके दिल में ये होता है कि हम ये नाम से बुलाए, ये नाम, उस तरह से जैसे नाम रख लेते हैं, उसी तरह हर धर्म के लोग, हर तरह के लोग अल्लाह के अपने अपने नाम रखे। कोई अल्लाह कहता है, कोई भगवान कहता है, तो ईश्वर कहता है, कोई ऐसे अलग अलग तरह के नाम से पुकारे जाते हैं। तूने हमें बनाया और सोचना सिखाया। तूने हमें बनाया, किसने बनाया है? इसमें कहा जा रहा है कि अल्लाह ने ही हमें बनाया है और सोचने समझने की सलाहियत दी है, हमें जो दिमाग दिया है जिसके वजह से हम लोग सोच समझते हैं। हर शय में हमने देखा, शय मन होता है हर शय, शय मन होता है चीज़। तो किसी भी चीज़ में हो, आप देख लीजिए, एक तो पेन ही रख लीजिए, पेन भी वो है ना, कि उसमें भी पता चलता है कि अरे ये पेन कैसे बन गया। दुनिया में जितनी भी चीज़ है, पेड़ पौधा आदमी, हर चीज़ हर शय में अल्लाह नज़र आते हैं कि ये उन्हीं की कुदरत है जिसके वजह से ये चीज़ हो गई है। तेरे कर्म का साया, साया मैंने होता है परछाई ना, तो परछाई कब होती है? जब कोई चीज़ मौजूद होती है तब ना परछाई बनती है। तो अल्लाह अपने मौजूदगी का एहसास दिलाता है, साया देता दिखाता है कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो मेरी बदौलत ही बनी है, वो अपने होने का एहसास दिलाता है। जिस जा भी हमने ढूंढा तेरा निशान पाया। जिस जहाँ भी मतलब दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, आपको लगे कि नहीं यहाँ पर अल्लाह नहीं मौजूद हो सकते, यहाँ सिर्फ इंसानी इंसान का मौजूदगी होगा, वहाँ पर भी आपको एहसास हो जाएगा कि नहीं यहाँ पर भी अल्लाह मौजूद है। तेरा निशान पाया, समझ में आ गया। खालिक है तू खुदाया, खालिक मन होता है पैदा करने वाला। तो खुदाया मैं खुदा ताला से कहा जा रहा है कि तुम या आप ही पैदा करने वाले हैं। मालिक है तू खुदाया, जो इंसान या जानवर या किसी को भी जो पैदा करता है वो मालिक उसी का होता है ना। मिसाल के तौर पर एक रख लीजिए, कोई हम लोग धान का पेड़ या आम का पेड़ या किसी चीज़ का भी हम लोग पेड़ जो बोते हैं, वो जब फलता है उगता है तो हम लोग कहते हैं इसका मालिक हम हैं। जब दिल चाहे मैं काटूंगी इसका फल, मैं तोड़ूंगी इसको बेचूंगी, इस तरह से। तो जो जो चीज़ हमने पैदा करवाया है चाहे पैदा किया है, तो उसका मालिक हम हो जाते हैं। इसी तरह अल्लाह हमारी दुनिया में जितनी भी चीज़ें वो अल्लाह के ज़रिए ही पैदा हुए, इसीलिए उसके मालिक कौन हुए? अल्लाह हुए। इंसान भी हैं तेरे, हैवान भी हैं तेरे, जानदार भी हैं तेरे, बेजान भी हैं तेरे। इंसान हैवान जिसमें सोचने समझने की सलाहियत होती है वो इंसान होते हैं, हैवान उसे कहते हैं जिसमें सोचने समझने की सलाहियत नहीं होती है। जानदार, जानदार मतलब होता है जिसमें ज़िंदगी होती है। अब बेजान मतलब जिसमें ज़िंदगी नहीं होती है।
तो जो हम सोच समझते हैं उन्हीं के बदौलत, जो नहीं भी सोचता है उस उन्हीं के बदौलत, और जो जिंदा है वो भी, जो नहीं जिंदा है वो भी, वो सारी चीज़ किसके बदौलत चलती है? अल्लाह के बदौलत होती है। हर एक गुलाम तेरे, पैदा है ना प्यारा है नाम तेरा। जब गुलाम मने हो, गुलाम मने होता है नौकर। जब इंसान किसी चीज़ को यदि जब भी कुछ चाहे बता सकता है, बोल सकता है और समझा सकता है, मालिक है तो वह कुछ भी कर सकता है। और जब हम लोग उसको प्यार से अलग अलग नाम से पुकारते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपके ये चैप्टर कंप्लीट हो चुके होंगे और सारे बच्चे बहुत अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। जब ये नज़में आप लोगों को समझ में आ गई है तब क्वेश्चन आंसर बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। क्वेश्चन आंसर जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ, हाफिज़ जलंधरी की किसे पुकार रहे हैं? हाफिज़ जलंधरी किसे पुकार रहे हैं? तो ये किसका है? हाफिज़ जलंधरी ये शायर है। तो ये शायर इस नज़्म में किसे पुकार रहा है, किसे बुला रहा है? तो इसका जवाब हो गया अल्लाह को। हुकूमत से क्या मुराद है? हुकूमत तो हम पहले आप लोग को समझा चुके हैं, कारीगरी बनाने वाला। तो जब हमको मालूम है कि जो बनाने वाले से क्या मुराद है, यही मुराद है जो बनाने वाला है ना। हर चीज़ से क्या, हर चीज़ से किसकी और क्या क्या हुकूमत झलकती है? हर चीज़ दुनिया में जितनी भी चीज़ है उससे किसकी हुकूमत झलकती है? तो साफ बात है अल्लाह की हुकूमत झलकती है। अल्लाह की हुकूमत के चंद नमूने पेश कीजिए। नमूने मने होता है एग्ज़ाम्पल। तो अल्लाह के एग्ज़ाम्पल कम है, जो भी आप लोगों को जहन में आ रहा है वो आप तो दे सकते हैं। शायर ने जो मंजर कशी की है उसे नसरी में लिखे, उन्हें अपने शायरत से लिख देना है शायरी तौर पर। अल्लाह के आगे बंदे की क्या हैसियत है? कह रहा है जब भी कोई इंसान है, वो इंसान जब रहता है बंदे मने होता है इंसान, तो हम लोग जो बंदे हैं अल्लाह के सामने हम लोग की क्या हैसियत हो सकती है, उसी को बताना है बस। चलिए आप लोगों के चैप्टर और क्वेश्चन आंसर सारे कंप्लीट हो गए। अगर फिर भी कुछ अगर आप लोगों को समझ में ना आई हो या कोई परेशानी हो तो आप हमसे बात कर सकते हैं और वो परेशानी को दूर कर सकते हैं। खुदा हाफिज़।